शुभमन गिल ने फिर मचाई तबाही, 13 चौके और 5 छक्के कूट जड़ डाला शतक, जाने तोड़े कौन से बड़े रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने तूफानी शतक ठोककर कौन से इतिहास रच डाला है, कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ पूरी विस्तार से, पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल इन दिनों शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया। इसी के साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गिल ने पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ मिलकर 212 रनों की साझेदारी की। इस मैच में शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्के चौकों की बरसात कर दी। उन्होंने क्रीज पर आते ही कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने पहले अपने 50 रन 34 गेंदों में पूरे कर लिए। गिल ने अपने 50 रन पूरे होने के लिए 8 चौके और 2 छक्के भी ठोके। इस मैच में शुभमन गिल ने 72 गेंदों में 113.59 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 चौके और 5 छक्कों के साथ अपना शतक पूरा किया। ये गिल के वनडे करियर का चौथा शतक है। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में दोहरा शतक भी जड़ा था। इस पारी के साथ ही शुभमन गिल भारत के लिए 3 मैचों की एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली इससे पहले 3 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे। शुभमन गिल ने इसी के साथ कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब गिल 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल ने 3 मैचों में कुल 360 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 286 रन बनाए थे। दोस्तों आप भी शुभमन गिल के इस बेहतरीन पारी और इस बड़ी उपलब्धि पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।